ठाकुर जी ये संबंध हमारो है आपसे, और वो प्रतीक्षा करना प्रमाणित ठाकुर जी करेंगे उसको। और ये बात बिल्कुल सत्य है, ठाकुर जी प्रमाणित करते हैं। अनेक लीलाएं हैं, अनेक कथाएं हैं, कहीं गुरु रूप में, दक्षिण भारत में हमारे गुरु परंपरा में श्री रामानुज, गुरु परंपरा में हमारे रामानुजाचार्य जी के ठाकुर जी से चार संबंध हैं, पिता, पुत्र, गुरु और शिष्य। ठाकुर जी उनको अपना पिता भी मानते हैं, रामानुजाचार्य जी को ठाकुर जी उनको अपना गुरु भी मानते हैं, ठाकुर जी उनको अपना पिता भी मानते हैं, ठाकुर जी अपना पुत्र भी मानते हैं, चारों संबंधों में विद्यमान। तो दक्षिण में एक ठाकुर जी का स्थान था संपत कुमार भगवान, अभी भी है संपत कुमार भगवान। तो संपत कुमार भगवान जो थे, कोई मुगल शासन के समय पर कोई मुगल गया और मुगल जाकर के जैसे ही मंदिरों में जाते थे तोड़फोड़ मचाने के लिए, तो मुगल जैसे ही वहां गया, संपत कुमार भगवान को मुगल की छोटी सी कन्या ने जैसे ही देखा उसको लगा ये बहुत बढ़िया गुड्डा है, मेरे लिए ले चलो। राजा तो, मुगल तो अपने समय में कुछ भी करते थे, और बेटी की प्रसन्नता के लिए संपत कुमार भगवान को मंदिर से निकाल करके वो दिल्ली ले आए, और बेटी अपने पास रखती, ये मेरा गुड्डा है, उसी को निलाती, खिलाती, पिलाती, उसी के संग रहती, वो तो साक्षात ठाकुर जी हैं। एक दिन रात्रि में रामानुजाचार्य जी शयन कर रहे थे, संपत कुमार भगवान स्वप्न में प्रकट हो गए, प्रकट होकर बोले तुम आराम फरमा रहे हो, आनंद कर रहे हो, और यहाँ पे हमको ये मुगल लोग ले आए हैं गुड्डा समझ करके, इनकी बेटी हमारे संग में ऐसे खेलती है जैसे गुड्डा गुड़िया का खेल। ठाकुर जी, रामानुजाचार्य जी बोले भगवान आज्ञा करो, क्या करें? बोले आज्ञा क्या करें, जल्दी आओ, हमको लेके जाओ यहाँ से। तो रामानुजाचार्य जी अपने हजारों शिष्यों के साथ दिल्ली आए, और दिल्ली में उस बादशाह के दरबार में जाकर के स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने निवेदन किया, हमारे ठाकुर जी को तुम्हारी बेटी गुड्डा मान करके अपने संग ले आई है, हमारे ठाकुर जी हैं वो, कोई गुड्डा गुड़िया नहीं है, उनको हमको वापस कर दो। और जो मुगल राजा था वो कहने लगा, बोले कि मैं कैसे मानूं वो तुम्हारे ठाकुर जी हैं? और भाई तुम लोगों के यहाँ तो ऐसा भाव है ना कि ठाकुर जी किसी से ज्यादा रीझ जाए तो उसके पास चले भी जाते हैं, खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं, आनंद करते हैं। यदि तुम्हारे ठाकुर जी हैं तो तुम यहीं खड़े खड़े बुला दो, वो अपने आप कमरे से निकल के आ जाएं, यदि वो आ जाएंगे तो तुम ले जाना, और यदि वो नहीं आए तो चुपचाप यहां से चले जाना, ठाकुर जी को वो जो भी है वो यहीं रहेंगे, मेरी बेटी खेलती है उनके साथ। रामानुजाचार्य जी वहीं बैठ गए, नेत्र बंद करके ध्यान किया संपत कुमार भगवान का, और कहा हम हजारों किलोमीटर पैदल चल करके दिल्ली तक आ गए हैं, अब आप कृपा करो, आप कक्ष से निकल करके बाहर आ जाओ, अपनी प्रभुता प्रस्थापित करो, चलो हमारे साथ। नेत्र बंद करके प्रार्थना की तो ठाकुर जी उनके चित्त में आकर के कहने लगे, बोले ये कलयुग है, और कलयुग में मैं अर्चक के अधीन होता हूं, अर्चक चाहेगा तो सोऊंगा, अर्चक चाहेगा तो उठूंगा, अर्चक खिलाएगा तो खाऊंगा, अर्चक नहलाएगा तो नहाऊंगा, मैं अपने अपने योग बल से कुछ नहीं करता हूं, मैं अर्चक के अधीन होता हूं, आप ही कक्ष में आइए, मुझको लेकर के जाइए। और जब ठाकुर जी इतना प्रवचन सुनाने लगे तो रामानुजाचार्य जी को गुस्सा आ गया ठाकुर जी पे, बोले हम इतने हजार किलोमीटर पैदल चल के आ गए, वैसे आपको कुछ भी करना हो तो उसमें कोई विधान नहीं आपका है, बलि के यहाँ जाके दो पग से तीनों लोक नाप लेते हैं, खुद के मन में आ जाए तो कुछ भी करोगे, लेकिन हम कह रहे हैं तो अब आप यहाँ पे आकर के, मैं तो अर्चक के अधीन हूँ, वो चाहेगा तो ही चलूंगा, वो ही चाहेगा तो ही करूंगा, बैठे रहो यहीं पे, हम जा रहे हैं वापस यहाँ से। ठाकुर जी पर जब थोड़ा क्रोध किया तो ठाकुर जी को ऐसा भाव आया कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनका पुत्र हूं, और उसी भाव से देखते ही देखते बादशाह के सामने अपने आप संपत कुमार भगवान की प्रतिमा चल करके आई मूर्ति, और कमरा से बाहर आकर के श्री रामानुजाचार्य जी की गोद में आकर के विराजमान हो गया। रामानुजाचार्य जी ठाकुर जी को हृदय से लगाए, बादशाह भी नतमस्तक हो गया, और रामानुजाचार्य जी ठाकुर जी को लेकर के आए, पुनः मंदिर में स्थापित किया, उनका प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद देखा तो वो राजा
बादशाह जो था वो अपनी सेना और अपनी पुत्री के साथ द्वार पर खड़ा था। रामानुजाचार्य जी बोले, आप क्यों आए हैं? बोले, महाराज मेरे जीवन में मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता केवल मेरी बेटी की प्रसन्नता, और जब से आपके ठाकुर जी चले गए मेरी बेटी बहुत रोती है, आप कृपा करो भगवान, मेरी पुत्री को एक बार उनका दर्शन करा दो। रामानुजाचार्य जी उस बालिका को दूर मंदिर के दूर से ही, जैसे ही गर्भगृह में बैठे संपत कुमार भगवान को दिखाया, ठाकुर जी के मुख पर मुकुट देख करके, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी का दर्शन करके, उस बादशाह की जो पुत्री थी उसने वहीं प्राण त्याग दिए ठाकुर जी को देखते देखते। रामानुजाचार्य जी के चित्त में भाव आया, बोले कि ये ठाकुर जी को नहीं, ठाकुर जी इसको स्वीकार कर चुके हैं। और तभी उन्होंने टर्की अंबा, वो टर्की का था राजा, तो आज भी दक्षिण में मां को अंबा बोलते हैं, अंबा बोलते हैं, तो टर्की अंबा करके छोटा सा विग्रह ठाकुर जी के बगल में स्थापित किया उस बादशाह की पुत्री का। और आज भी साल में एक दिन आता है, उस दिन ठाकुर जी का उस कन्या से विवाह होता है, और ठाकुर जी उस दिन पठानी कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो टर्की के बादशाह की पुत्री है। मैं दर्शन तो नहीं किए लेकिन मैंने कथा सुनी है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, आप संबंध बनाओ, निभाने की जिम्मेवारी ठाकुर जी पर छोड़ो, वो निभाएंगे और ये निश्चित निभाएंगे। ठाकुर जी बड़े दयालु, ठाकुर जी बड़े कृपालु। तो वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतित्रकृतभे शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ऐसे श्रीमद्भागवत का आश्रय लेकर के विषय अधिकारी संबंध, और चौथा भाव था प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? बोले तापत्रयोन्मूलनम्। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप यदि स्वयं को वैष्णव मानते हैं, आप यदि स्वयं को भक्तों की गणना में गिनते हैं, तो आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए तापत्रयोन्मूलनम्। मतलब फिर जितने भी ताप हैं उन तापों से आपको संकट नहीं होना चाहिए, आपको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। बंधुओं, भक्त का मतलब केवल भेषधारी हो जाने से नहीं होता है, भक्त का मतलब बहुत कथाएं और बहुत अध्ययन करने मात्र से नहीं हो जाता है। आपके स्वभाव में दिखना चाहिए कि आप भक्त हैं, और स्वभाव में सबसे सुदृढ़ता क्या है, क्या दिखना चाहिए? कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, आपको उससे कोई फर्क ना पड़े, तब समझो कि आप वैष्णव। माफ कीजिएगा, दाल खाते समय यदि नमक कम आपको पता चल जाता है तो आप भक्त नहीं हो। रोटी पाते समय आपके मन में यह भाव आ जाता है, अरे राम राम ठंडी सी हो गई है, तो समझो अभी आप भक्त नहीं हो। रबड़ी खाते समय यदि आपको इतना भान हो जाता है कि इसमें मिठास कम है, तो अभी आप भक्त नहीं हो। मैंने तो केवल जीव की बातें करी है, प्रत्येक इंद्रिय के प्रति यह भाव होना चाहिए। चलो देखो, अब आप कहोगे महाराज खुद तो दो एसी लगा के बैठे हमको समझा रहे हैं, आके देख लो इनमें से हवा कुछ नहीं आ रही है, बल लगे हुए हैं ये। पर सत्य बताएं, गर्मी का अनुभव कब तक होता है? जब तक कथा शुरू नहीं हो जाती, जैसे ही बोलना प्रारंभ करते हैं उसके बाद सही बता रहे हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि यहां से हवा आ रही थी कि नहीं, कहीं से पसीना आ रहा था, और तो और क्या बताएं। हमको संसार में सबसे ज्यादा भय केवल एक वस्तु से लगता है, और मैं काम कर रहा हूं कि उस भय से मैं जल्दी निवृत्त हो जाऊं, और वो भय है मुझको छिपकली नहीं दिखनी चाहिए, बस वो अगर दिख जाए तो मैं। लेकिन व्यासपीठ पे कई बार वो भी दिखी है, और कथा करते करते ये मॉनिटर रख रहे थे इसके ऊपर ही बैठी थी, 4 घंटा बैठी रही, और मैंने कथा करी प्रेम से,
ये बात तो अनुभव में आई कि जितनी देर भगवत सन्निधि में रहते हैं उतनी देर संसार का भय हो, संसार का सुख हो, संसार की किसी भी प्रकार की व्यवस्था अवस्था अव्यवस्था आपको विचलित नहीं करती है। परंतु भगवत संबंधी नहीं, हर स्थिति में हम ऐसे हो जाएं, हमको किसी भी प्रकार की किसी भी अव्यवस्था व्यवस्था से कोई प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, तब समझो हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, तब समझो भक्ति अब आ रही है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि प्याज लहसुन नहीं खाते, कहीं प्याज लहसुन का मिले तो महाराज जी तो कह रहे थे कुछ फर्क नहीं पड़ने जी खा लो, ऐसा नहीं। हाँ, तामसिकताएं जो हैं, दूषित वस्तु जो है, भगवत निवेदित जो वस्तु नहीं हो सकती, उनसे तो बचना ही है, पर किसी भी प्रकार की स्थिति आपके चित्त को हिला ना सके, आपके चित्त को विचलित ना कर सके, तापत्रयोन्मूलनम। ये तो मैंने व्यवस्था और आदि आदि वस्तुओं की बात की, पर जीवन में आने वाले संकटों का भी ज्यादा प्रभाव नहीं। जैसे कि हमारे श्री कुंभनदास जी, अष्ट सखा श्री कुंभनदास जी, मेरे को बहुत प्रिय लगते हैं श्री कुंभनदास। कुंभनदास जी के जीवन चरित्र में वर्णन आता है कि कुंभनदास जी तिलक जब करते थे ना, उनके पास आरसी नहीं थी, शीशा नहीं था, एक कठौते में जल भरते और जल में छाया देखते अपने मुख की, तब तिलक लगाते थे, तब स्वरूप करते थे। कुंभनदास जी इतने दुर्बल थे कि उनके पास बैठने के लिए अच्छा वाला आसन नहीं था, गायों को खिलाने वाली घास फूस आदि जब सूख जाती उसी से ही सुंदर कुशा का एक आसन बनाते, उस पर बैठते थे। कुंभनदास जी की स्थिति ऐसी थी कि राजभोग तो मंदिर में पाते थे, पर शाय के प्रसाद की कोई ठिकाना नहीं होता था कि घर पर बन पाएगा क्या। ऐसी स्थिति में श्री कुंभनदास जी थे, लेकिन कभी भी अपने चित्त से ठाकुर जी से शिकायत करी हो, कभी नहीं, निरंतर भजते थे ठाकुर जी को। वर्णन आता है कि श्री कुंभनदास जी के आज भी खेत है गोवर्धन के पास में, तो श्री कुंभनदास जी जब अपने खेत में खेती करते थे तो कुंभनदास जी तो आगे हल लेकर के चलते थे और पीछे पीछे हमारे श्री गिरधर गोपाल जी हाथ में बीज लेकर के बोते हुए चलते, वो छालते हुए चलते कुंभनदास जी के साथ में। वो खेत आज भी है गोवर्धन में, जहां ठाकुर जी अपने हाथ से बुवाई करवाते थे कुंभन। और ये कोई 5000 वर्ष द्वापर पहले की बात नहीं है, इसी कलिकाल में आज से 450 वर्ष पहले जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे तब की घटना है। कुंभनदास जी हल जोतते थे और ठाकुर जी पीछे पीछे बीज लेकर के उनके साथ में खेती करवाते थे कुंभनदास जी के संग। अब सामान्य मान